मिडल ईस्ट बढ़ाएगा तेल के दाम। भारत के जितने भी दर्शक हैं इस खबर को देखिए जरा, मिडल ईस्ट में तनाव से बढ़ सकते हैं तेल के दाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा, वर्ल्ड बैंक ने कहा 10 से 75% तेल के दाम में बढ़ने का खतरा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है ये, इसराइल पर हमले के बाद बढ़े थे 35% तेल के दाम। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए बिग बॉल पर, वर्ल्ड बैंक के तीन डर, बल्कि इससे इसके बाद वाली जो वॉल है उसको पहले लेके आइए। यहां पर वर्ल्ड बैंक के जो तीन डर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए सबसे पहले। और बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। पहला डर 2011 लीबिया वॉर जैसा छोटा तनाव, नतीजा ग्लोबल सप्लाई में कमी, करीब 5 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन में कमी आ जाएगी। सिर्फ वॉल दिखाइए राहुल विजय, यहां पर ये देखिए, तेल की कीमतों में संभावित 3 से 13%। अगर 2011 की लीबिया जैसी सिचुएशन हुई तो फिर दिखाइए क्या हो सकता है। ये देखिए दूसरा डर 2003 इराक वॉर जैसा मध्यम स्तर का तनाव, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी 3 से 5 मिलियन बैरल, नतीजा यह होगा अगर 2003 वाली क्राइसिस होती है। फिर देखिए तेल की कीमतों में 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिर दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी है। तीसरा डर 1973 के अरब तेल प्रतिबंध जैसी हाई टेंशन, ग्लोबल ऑयल की सप्लाई में 6 से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी। नेक्स्ट दिखाइए, तेल की कीमतों में 75% की बढ़ोतरी हो सकती है। विजय क्या वो वॉल आ चुकी है जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ईरान यमन की वजह से बढ़ सकते हैं तेल के दाम। ब्रेक करिए, मिडल ईस्ट के 5 देश तेल ट्रांसपोर्ट रोक सकते हैं। ईरान यमन इराक रोक सकते हैं तेल ट्रांसपोर्ट, सीरिया और लेबनन भी रोक सकते हैं तेल ट्रांसपोर्ट। सीधे आइए बिग बॉल पर, सीधे आइए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी डिटेलिंग देखिए। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि दुनिया का 20% ऑयल कंट्रोल करता है और यहां पर ईरान का कब्जा है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं वर्ल्ड एनर्जी वॉर के इफेक्ट, ईरान जंग में कूदा तो क्या होगा, एनर्जी कॉरिडोर हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर 20% यूरोप और दूसरे देशों का तेल रूट डिरेल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला जो वॉल है वो दिखाइए जरा, यहां पर वो वॉल दिखाइए, इसी में एक और वॉल है जो हम एक और बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए इसको। यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट से विश्व की एक तिहाई, अब ये देखिए बाब अल मंदाब स्ट्रेट बाधित हो जाएगा। ये है बाब अल मंदाब, यमन का इस पर कब्जा है, 9% यहां से ऑयल जाता है। ये वाली वॉल लीजिए और पहले वाली इसकी ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास क्विकली, अमिताभ सर शार्प रिएक्शन। देखिए निशांत, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो नहीं सिर्फ पूरे दुनिया की इकॉनमी पर फर्क पड़ेगा जी, बल्कि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी वेस्ट एशिया में अफेक्टेड होगी और ये अफेक्टेड हो रही है। आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम, मुझे प्रेशर है ब्रेक लेने का, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।